चलिए बच्चों, आज हम लोग जो करेंगे वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और उसका कौन सा हिस्सा? वन साइडेड एरर्स। चलिए पहले एक बार मैं आपको टू साइडेड एरर्स के बारे में थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि ये क्या था, उसके अंदर हमने क्या काम किया था। टू साइडेड एरर्स कौन सी होती थी? टू साइडेड एरर्स वो होती हैं जिनके होने के बाद भी मेरा ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाता है, और टू साइडेड एरर्स का दूसरा नाम क्या था? एरर्स। और इसका तीसरा नाम भी था। क्या ये गलतियां ट्रायल बैलेंस से नजर आती हैं? सो दीज आर द एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, तीसरा नाम ये है। इनको ठीक करने का तरीका मैंने बताया था, अगर कोई अकाउंट डेबिट होना था और आपने नहीं किया था तो उसे रेक्टिफिकेशन एंट्री में डेबिट कर दो, कोई अकाउंट क्रेडिट होना था आपने नहीं किया तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में उसे क्रेडिट कर दो, कोई अकाउंट गलती से डेबिट हो गया था तो उसे क्रेडिट कर दो, कोई अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया था उसे डेबिट कर दो। तो ये तो था रेक्टिफिकेशन का तरीका, कौन सी एरर्स को ठीक करने का? टू साइडेड एरर्स को। अब हम बात करेंगे वन साइडेड के बारे में। वन साइडेड एरर्स के यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं। अब ये नाम आपको इस तरह से समझ नहीं आएंगे जब तक मैं इन्हें समझाऊंगा नहीं आपको, फिर भी एक बार पढ़ के देखो। एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, एरर ऑफ बैलेंसिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग टू द करेक्ट अकाउंट बट रॉन्ग अमाउंट, एरर ऑफ पोस्टिंग टू द करेक्ट अकाउंट बट रॉन्ग साइड। इस तरह से ये और भी गलतियाँ हो सकती हैं। ऐसा नहीं है मैंने आठ लिखी हैं तो आठ ही हो सकती हैं, पर मैं सारी नहीं लिख सकता था क्योंकि बहुत सारा स्पेस चाहिए उसके लिए, क्योंकि गलतियों की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, इन गलतियों को ठीक करने का तरीका क्या है और इनको ठीक करने का तरीका, आप जरा दोनों को ना एक साथ साथ पढ़ना। सच एरर्स अफेक्ट ओनली, ये बात तो मानते हो, और ये वाली गलतियां ऐसी होती है जिनका असर दो अकाउंट पे पड़ता है, तो जिन दो अकाउंट पे इसका असर पड़ा है उन्हीं दो अकाउंट का नाम रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर आता है, और इसके अंदर क्योंकि असर एक अकाउंट पे पड़ा है तो जब रेक्टिफिकेशन एंट्री डालोगे तो वो वाला अकाउंट रेक्टिफिकेशन एंट्री में आएगा जिस पर असर पड़ा था, और साथ में एक नया अकाउंट आएगा, सस्पेंस अकाउंट। अभी तो दो मिनट के लिए इसे रट लो, मैं इसका प्रॉपर तरीका आपको समझा दूंगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, चलिए जरा समझे, जरा कौन सा अकाउंट आएगा इसके अंदर? दो अकाउंट, एक तो रेस्पेक्टिव अकाउंट विच इज अफेक्टेड बाय द एरर, और दूसरा आएगा सस्पेंस अकाउंट। जब तक, क्योंकि कोई भी अगर आप एंट्री डाल रहे हो, चाहे ओपनिंग एंट्री है, चाहे क्लोजिंग एंट्री है, चाहे रेक्टिफिकेशन एंट्री है, चाहे एडजस्टमेंट एंट्री है, चाहे ट्रांसफर एंट्री है, चाहे कंपाउंड एंट्री है, चाहे नॉर्मल एंट्री है, बहुत सारी एंट्रीज होगी ना, कोई भी एंट्री डाल लो, जब तक डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज़ें नहीं लिखी जाएगी एंट्री कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इसीलिए यहाँ पर भी एंट्री कंप्लीट करने के लिए एक तो रेस्पेक्टिव अकाउंट और एक सस्पेंस अकाउंट, ये दोनों मिलकर हमारी एंट्री को कंप्लीट करेंगे, सही है ना। चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में। आइए ज़रा यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे बिजनेस का पहला ट्रांजेक्शन है, इसकी एंट्री सही है, चलिए पोस्टिंग कराइए। कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में अगला ट्रांजेक्शन बेटे, आपने 16,000 रुपये का माल खरीदा जिसके अंदर 6,000 रुपये का कैश है और 10,000 रुपये का रोहित से उधार खरीदा है, एंट्री में चेक करो ज़रा, एंट्री सही है ना। अच्छा, इसकी पोस्टिंग कैसे होनी चाहिए थी? हाँ, परचेज में 16,000 डेबिट, कैश में 6,000 क्रेडिट, परचेज में 10,000, पर देखो ज़रा हमने क्या गलती की है। परचेज अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहा, वो परचेज में बिल्कुल सही पोस्टिंग हुई है, और कैश में भी पोस्टिंग में कोई एरर नहीं है, तो कैश में भी सही लिखा है। गलती कहाँ हुई है? रोहित के अकाउंट में कितना लिखना चाहिए था? 10,000 क्रेडिट, हमने कितना लिख दिया? 1,000 क्रेडिट, गलती नज़र आ गई, पहली गलती हो गई है हमारी। तो ये लो, यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ, फर्स्ट एरर इसके अंदर हमने कर दी है। हालांकि जब हम गलती करते हैं हमें पता होता है क्या? अरे अगर हमें पता हो तो हम उस गलती को होने देंगे क्या? तो ये तो तुम्हें मैंने खुद बताई है कि हाँ हमसे गलती हुई है, क्योंकि जब तक हम गलती करेंगे नहीं उसका रेक्टिफिकेशन सीखेंगे कैसे, सही है ना। चलिए अगला ट्रांजेक्शन बेटे, 17,000 का माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश में टू सेल, सेल्स में अगला बेटा, देखो 12,000 रुपये का माल बेचा हमने राज को
और 7,000 रुपये का माल बेचा हमने देव को, एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, पोस्टिंग में देखो क्या गलतियां हुई हैं। कह रहा है हमने राज में कितना लिखना चाहिए था पर हमने कितना लिख दिया, तो यहाँ पर हमारी दूसरी गलती हो गई है, ये लो। और देव में कितना लिखना चाहिए था, 7,000, तो देव में कितना लिख दिया, कोई गलती है? हाँ, यहाँ पर हमारी एक और गलती होगी, तीसरी गलती। अब सेल के लेजर में गलती बता रहा है क्या? सेल के लेजर में कोई गलती नहीं बता रहा, तो सेल की पोस्टिंग बिल्कुल सही है। आगे चलिए, मशीन खरीदी है, एंट्री ठीक है, पोस्टिंग देखो क्या गलती हुई है, और वो भी कौन सी अकाउंट में गलती हुई है, मशीन अकाउंट में। मशीन अकाउंट में हमें इस तरफ लिखना चाहिए था कितना, 14,000 डेबिट, हमने इस तरफ लिख दिया 1400 क्रेडिट, तो एरर नंबर 4। और कैश अकाउंट में कोई गलती नहीं बता रहा है, तो कैश की पोस्टिंग बिल्कुल सही है। आगे चलिए, हमने इसी मशीन को यहाँ पर इंस्टॉल करवाया, एंट्री ठीक, पोस्टिंग में भी कोई एरर नहीं है, तो मशीन में टू कैश, कैश में। आगे चलिए, लास्ट वाला कह रहा है मशीन को रिपेयर करवाया, तो एंट्री हुई रिपेयर्स टू कैश, पोस्टिंग देखो गलती कहाँ पर हुई है, कह रहा है इसके अंदर पोस्टिंग ही नहीं करी, तो यानी कि एरर नंबर 5 गलतियां हम लोग कर चुके हैं, और कैश की पोस्टिंग बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम समझ आ रही है? चलिए ज़रा, अब हमने जितनी भी सारे काम करने थे, सारी एंट्री डल गई, सारी लेजर पोस्टिंग कर दी, पर ध्यान रखना हमारे अकाउंटेंट को ये गलतियां पता नहीं होती हैं, क्योंकि अगर उसे पता चल जाएंगी तो वो ठीक कर लेगा उसी टाइम पर, ठीक है ना। तो गलतियां हो गई हैं, अब हमें नहीं पता। चलिए अब हम क्या करेंगे, इनके बेस पर क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। चलिए इसके अंदर कौन सा बैलेंस आ रहा है, बैलेंस इस तरफ है डेबिट, इसके अंदर क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, डेबिट। आप देख रहे हो यहीं से साफ पता लग रहा है गलती है। मशीन अकाउंट का हमेशा बैलेंस डेबिट आएगा या फिर जीरो आएगा, पर इसका बैलेंस क्या आ रहा है, यानी कि गलतियां हैं, और इसमें पोस्टिंग ही नहीं है, तो ये वाला लेजर दोनों उसके अंदर जाएंगे ही नहीं। तो जितने लेजर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेजर के बेस पर क्या बन गया। अब मैं ज़रा देखूँ दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है क्या, चेक करो क्या ट्रायल बैलेंस इक्वल है, नहीं है। अब जब ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस आ रहा है क्या करेंगे, गलत गलत, जब ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, सीधा लिख दो सस्पेंस अकाउंट यहां पर लिख दो, पहले चेक करके देखेंगे कहीं कुछ प्लस माइनस की टोटलिंग की कोई गलतियां तो नहीं हुई है हमसे, ऐसे थोड़ी है, मतलब बिल्कुल ही हम निर्बल हैं, हम लोग काम ही नहीं कर सकते हैं, चलो भैया ठीक है सस्पेंस लिखो आगे बढ़ो, पहले अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डालने हैं, उसके बाद सस्पेंस का यूज़ होता है एट लास्ट। चलिए चलो देखते हैं, तो क्या क्या स्टेप्स बताए थे मैंने इसको ढूंढने के लिए, सबसे पहले हम दोनों का टोटल दोबारा करके देखेंगे कि कहीं कोई टोटल एरर तो नहीं है, अगर इक्वल आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो अगला स्टेप क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, जो क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों का देखना, जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो कुछ ऐसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 15,000 समथिंग कुछ आ रहा है, जो भी आ रहा है 13,000, 14,000 जो भी आ रहा है, उस डिफरेंस का मैं आइटम चेक करूँगा। समझ आ रही मेरी बात, कि कहीं उतने रुपए का कोई आइटम मुझसे पोस्ट करने से रह तो नहीं गया, मान लो वो भी मैंने कर लिया फिर भी गलती नहीं मिली। अगला स्टेप, जो इसका डिफरेंस आ रहा है उसका हाफ करके देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो उसका यहाँ का कोई आइटम यहाँ चला गया हो, उस साइड का आइटम बढ़ जाएगा ना फिर। तो ये कुछ तरीके बताए थे गलतियों को ढूंढने के लिए, याद है। और जब आपने सारे स्टेप्स चल लिए हैं और आपको गलती मिल ही नहीं रही है, अब आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। मुद्दा समझ आ रहा है, तो ये आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया सारे एफर्ट्स करने के बाद, और क्योंकि सस्पेंस अकाउंट आपने अभी ओपन किया है तो सस्पेंस अकाउंट यहां पर दिखाई भी देगा, इसके अंदर पोस्टिंग क्या करेंगे आप, इसके अंदर पोस्टिंग क्या लिखेंगे, टू डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, क्या लिखनी है लाइन,
टू डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। कहीं कोई डाउट है तो बताइए। एक सवाल आपसे पूछा जाता है, व्हेन सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, क्या रहा है? वो कब खोला जाता है? जब ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आता है। थोड़ी देर में इसी से मिलता जुलता एक और सवाल आएगा, उसको समझने के लिए ये सवाल आपको समझ आना चाहिए यहीं पर। क्लियर है? सस्पेंस अकाउंट कब खोला जाता है? जब हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होता है, तो हम उसे इक्वल करने के लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट फिलहाल कौन से कॉलम में लिखा है, इसीलिए मैंने उसे कौन सी साइड पे लिखा है। बाई चांस अगर ये यहाँ आ रहा होता तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, बाय डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, हाँ जी, ऑब्वियसली यार इक्वल करोगे तो छोटी साइड ही लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि बड़ी साइड तो ऑलरेडी पहले से बड़ी है, तो उस तरफ दूसरी तरफ लिखेंगे। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? पक्का यहाँ तक कोई डाउट नहीं? सोच लो, चलें आगे। आइए, अब हमारा अगला कदम क्या होता है ट्रायल बैलेंस के बाद? फाइनल अकाउंट्स बनाना। एक सवाल है मेरा, अगर मेरा सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर आ रहा है तो क्या हम फिर भी फाइनल अकाउंट बनाएंगे या वेट करें हम? नहीं नहीं पहले गलती मिल जाने दो, उससे पहले नहीं बनाएंगे। अरे अगर वेट ही करना था तो सस्पेंस अकाउंट लिखा ही क्यों? नॉर्मल सी बात है ना। तो सस्पेंस अकाउंट अगर आपके बुक्स में आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेट करते रहेंगे, हम अपने फाइनल अकाउंट बनाने के लिए चल देंगे आगे, अगले स्टेप्स पे। आओ देखते हैं अब यहाँ पर क्या होगा। चलिए, कैश कहाँ गया? एसेट्स के अंदर। आपको पता है ना, मैंने एक स्टोरी आपको समझाई थी, हमारे जो लेजर होते हैं, जितने भी ये लेजर होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल और पर्सनल और रियल बैलेंस हो जाते हैं, और नॉमिनल वाले क्लोज हो जाते हैं। और इन्हें जब आप बैलेंस करते हैं तो इसके अंदर आपको डेबिट या क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस मिल सकता है, और इसके अंदर हमेशा डेबिट बैलेंस मिलता है। ये डेबिट बैलेंसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एसेट। और ये क्रेडिट बैलेंसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लायबिलिटी। और ये वाले तो क्लोज होने होते हैं, कुछ ट्रेडिंग के अंदर, कुछ P&L के अंदर, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वेरी गुड। चलिए, कैश चला गया, कैपिटल यहां पर आ गई, परचेजेस यहां पर लिखी जाएगी, सेल्स यहां पर लिखी जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, रोहित 1000 रुपए का क्रेडिटर के अंदर चला गया ना, राज और देव ये दोनों डेटर्स के अंदर चले जाएंगे इकट्ठा, मशीनरी फिलहाल उसका बैलेंस क्रेडिट है, फिलहाल उसका बैलेंस क्रेडिट है, अदरवाइज है तो वो एसेट ही, पर उसका बैलेंस कहाँ ले जा रहा है उसे? उसका बैलेंस उसे इस तरफ लेकर आ रहा है। मुझे पता है वो लायबिलिटी नहीं है, पर यहाँ पर तो वो लायबिलिटी का ही बैलेंस दिखा रहा है ना। नहीं समझे मेरी बात को? मशीनरी हमारी एसेट होती है, हमें पता है, पर हमारा लेजर बैलेंस कौन सा दिखा रहा है? क्रेडिट। तो वो फिलहाल कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में। गलत है, गलतियाँ तो हमने की है, उसी की वजह से तो ये हो रहा है। और ये सस्पेंस कहाँ जाएगा, सवाल ये है। इसके ऊपर मत जाना, यहाँ दिखाई दे रहा है, खुद सोचो कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा। जवाब दो, सस्पेंस एसेट्स में दिखाई दे रहा है पर क्यों? क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट है, पर ये एसेट्स में दिख रहा है, क्या ये वाकई में एसेट है? अच्छा, ये सस्पेंस मेरी बुक्स में कब तक नजर आएगा? जब तक ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आ जाता। ट्रायल बैलेंस तो हमने इक्वल कर लिया, अगले साल का कह रही हूँ, अगले साल का। कोई और जवाब इसके अलावा? जब तक गलतियां ठीक नहीं कर देते हम, और जैसे जैसे गलतियां मिलती चली जाएंगी, ऐसा नहीं है एक ही रात को बैठेंगे सारी निकल जाएंगी,
धीरे धीरे सामने आएंगी वो। तो जब तक वो गलतियां ठीक नहीं हो जाती तब तक सस्पेंस अकाउंट हमारी बुक्स में नजर, और जैसे जैसे गलतियां मिलती चली जाएंगी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कम होता चला जाएगा अपने आप ही, और वो धीरे धीरे बुक्स में से हट जाएगा। अभी मैं बताऊंगा वो कैसे होगा। मुद्दा समझ आ रहा है? तो फिलहाल सस्पेंस अकाउंट कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? डेबिट बैलेंस। तो वो कहां दिख रहा है? एसेट्स में। अगर इसका बैलेंस इस तरफ होता तो वो कहां था? पर बैलेंस शीट में ही क्यों? व्हाई नॉट ट्रेडिंग और पी एंड एल? व्हाई नॉट ट्रेडिंग और पी एंड एल? बैलेंस शीट ही क्यों? अब एक बात बताओ, अब ये वाला साल तो कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब अब जो गलतियां सामने आएंगी क्या वो इस साल में सामने आ सकती हैं? अब वो अगले साल में या उससे अगले साल में ही सामने आएंगी, और क्योंकि वो अगले साल में काम आएंगी, वो सामने आएंगी, तो आपको नहीं लग रहा इसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो कैरी कर ली जाती हैं? क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो तो हम इसी साल भूल जाएंगे, यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। तो बैलेंस शीट के आइटम वो हैं जिन्हें हम अगले साल अपने साथ लेके चले जाते हैं, कैरी कर लेते हैं। तो अब आपको पता है ये सस्पेंस अकाउंट भी आपके काम आएगा जब गलती मिलेगी उस टाइम पर, उस गलती को ठीक करने के लिए। इसीलिए इसको भी अगर हम कैरी करना चाहते हैं तो इसको बैलेंस शीट में दिखाना सबसे उचित जगह है। बोलो हाँ या ना? इसीलिए उसको बैलेंस शीट में डाला गया। तो सवाल ये है कि सस्पेंस अकाउंट पहला कब खुलता है? जब ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आता। दूसरा, सस्पेंस अकाउंट कौन से फाइनल अकाउंट में दिखता है? बैलेंस शीट में। तीसरा, बैलेंस शीट में एसेट्स में कब दिखता है? लाइबिलिटीज में, जब उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। सही है? तो ये कुछ सवाल थे जो सस्पेंस अकाउंट के ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। चलिए अब मान लो आप अपने सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में पहुंच गए, वहां जाके आपको गलतियां मिल रही हैं धड़ल्ले से, तो फिर उन गलतियों को हम कैसे ठीक करेंगे? आपको वो कैसे दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर? आपको ये क्या है? ये ट्रांजैक्शन है और ये उस ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई गलती, दोनों को जोड़ देगा। जैसे आपने पिछली कुछ क्लासेज में वो सीखा था ना कि ट्रांजैक्शन और उसके साथ वाली एरर दोनों जोड़ दी जाती हैं, तो इसके साथ यहाँ पर कॉमा लग जाएगा। अब ये पूरी एक स्टेटमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब इसके बेस पर आपने पहली रेक्टिफिकेशन एंट्री डालनी है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। कह रहा हमने माल खरीदा था कितने का? जिसमें से 6000 का कैश और 10000 का। तो बेटा रोहित में यहाँ पर कितना लिखना चाहिए था? 10000। कह रहा है पोस्टिंग इन रोहित अकाउंट हैज बीन डन बाय, खाली रोहित के अकाउंट में गलती हुई है, तो रोहित के अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना चाहिए था 10000 से, मैंने क्रेडिट कर दिया, तो यहां पर मैं कितने से और क्रेडिट कर दूं? तो रोहित को और क्रेडिट कर दो 9000 से। दूसरा कौन सा अकाउंट लूं? क्योंकि गलती एक ही अकाउंट पे असर डाला था, सस्पेंस अकाउंट का यूज कर लेंगे हम यहां पर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 9000। ठीक है, तो पहली गलती हमने ठीक कर ली। अगली गलती इसके साथ ये जुड़ जाएगा। कह रहे राज के अकाउंट में 1200 से पोस्टिंग की है और देव के अकाउंट में 9000 से पोस्टिंग की है। पहले इस हिस्से को संभालो अब। बस राज में पोस्टिंग कितने से होनी चाहिए थी? 12000 से, और हमने कितने से पोस्टिंग कर दी? तो क्या करूं? राज में 10800 की पोस्टिंग और कर देंगे, तो यहां पर राज डेबिट टू सस्पेंस 10800। अगला देव, देव में कितनी पोस्टिंग होनी चाहिए थी? 7000, और हमने कितने से कर दी? तो हमने देव को 2000 से ज्यादा डेबिट किया हुआ है, तो क्या करूं? सस्पेंस डेबिट टू देव। आई थिंक समझ आ रहा होगा। आगे चलिए, अगला ट्रांजैक्शन उसके साथ हुई गलती। मशीन के अकाउंट में पोस्टिंग कितने से होनी चाहिए थी यहाँ पर? 14000, और हमने 1400 से कर दी, वो भी दूसरी साइड। मशीन को 14000 से डेबिट करना था, हमने 1400 से क्रेडिट कर दिया, तो डबल चलना पड़ेगा। डबल डबल मतलब दोनों का टोटल,
15,400। एंट्री क्या डलेगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 15,000। भाई समझ आ रहा है? मैं ये कह रहा हूँ मुझे यहाँ पर मशीन को कितने से डेबिट करना चाहिए था? 14,000। और मैंने इस तरफ उसे कितने से क्रेडिट कर दिया? तो बेटा मुझे डेबिट साइड पर दोनों का टोटल लिखना पड़ेगा ना सही करने के लिए। नहीं समझे? मुझे मशीन को, समझो, मुझे मशीन को 14,000 से डेबिट करना था, मैंने 1400 से क्रेडिट कर दिया, तो दोनों का टोटल कवर करना पड़ेगा ना अब मुझे। 15,400 से मशीन को डेबिट करूंगा और सस्पेंस को क्रेडिट कर दूंगा। क्लियर है? अगला, हमने मशीन रिपेयर कराई थी, कह रहा रिपेयर अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं करी, रिपेयर अकाउंट में, खाली रिपेयर अकाउंट में नहीं करी, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये हमारी लास्ट एंट्री हो जाएगी। सही है? यहाँ देखिए, हाँ नहीं सर, ये जो हमारी गलती हुई है ना, इसमें जो एरर है, कौन खाली कौन से अकाउंट में एरर हुई है? कैश अकाउंट में तो बिल्कुल हमने सही लिखा हुआ है, जिस अकाउंट पे असर पड़ा है उस अकाउंट को ही तो एंट्री में इंक्लूड करेंगे, कैश को क्यों इंक्लूड करेंगे, उस पर तो कोई असर ही नहीं पड़ा, गलत असर। प्लीज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज चेक करें। क्या आगे बढ़ सकते हैं? अब ज़रा थोड़ी सी जानकारी हम और लेते हैं। ये वाला जो अमाउंट था, ये अमाउंट हमारा यहाँ पर आ गया, इस एंट्री में सस्पेंस का नाम है, हर एंट्री में सस्पेंस का नाम है, तो पोस्टिंग करो, इस एंट्री की पोस्टिंग करो सस्पेंस अकाउंट में, और रोहित में भी तो जाएगी पोस्टिंग बाय। देखो अब रोहित का अमाउंट सही हो गया, रोहित कितने से डेबिट होना चाहिए था? 10,000, तो यहाँ पर हमने उसे 10,000 से क्रेडिट कर दिया है टोटल, तो गलती, हाँ जी, अरे लल्ला 1,000 पहला भी तो था, तो टोटल 10,000 चाहिए था, कर तो दिया। तो जैसे ही हमने ये रेक्टिफिकेशन एंट्रीज डाली हमारी सारी गलतियाँ, और जब गलतियाँ ठीक हो गई तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी खत्म हो जाना चाहिए। देख लेते हैं, आ जाओ इसका कराओ जरा, राज में टू सस्पेंस और सस्पेंस में बाई राज, इस तरह से इन सब की पोस्टिंग आ जाएगी यहाँ पर अपने अपने अकाउंट में, और आप देख रहे हैं सस्पेंस का बैलेंस ना इधर है ना इधर है, चेक कर लो दोनों साइड इक्वल हो गई हैं, सस्पेंस आपका ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया है। नहीं समझ आई मेरी बात? अब मैं आपको और इसमें इंफॉर्मेशन जोड़ता हूँ। बाई चांस मान लो मैंने खाली ये चार एंट्री डाली होती, अभी ये वाली एंट्री मैंने नहीं डाली होती, तो फिर क्या होता? फिर यहां पर अभी 200 रुपए का बाय बैलेंस सीडी आ रहा होता, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट के अंदर बैलेंस अगर नजर आ रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी कोई ना कोई गलती सही होनी बाकी है। गॉट इट? आओ और आपके नॉलेज में इजाफा करते हैं थोड़ा सा। ये इसकी वजह से है, मानते हो? और ये बाकी की जो है ना, ये इनकी वजह से है, मानते हो? तो सवाल ये उठता है कि सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस की वजह से तो ओपन होता है, पर इन एंट्रीज की वजह से क्लोज होता है। जनरली क्या होता है, जब हम रेक्टिफिकेशन एंट्री डालते हैं तो बच्चे के दिमाग में पता है क्या आता है, सस्पेंस अकाउंट यहाँ यूज हो रहा है, तो उसको लगता है सस्पेंस अकाउंट खोला जा रहा है, सस्पेंस अकाउंट तो बेसिकली बंद हो रहा है इनकी वजह से,
वो खुल नहीं रहा है। खुलने का रीज़न तो ये है, ये तो बंद होने का रीज़न है, क्योंकि इनकी वजह से सस्पेंस का बैलेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, यहाँ देखो ना, और ज़रा इसे और पढ़िएगा, यही वो दो सवाल हैं जो सस्पेंस से रिलेटेड हैं और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। हो गया होगा, आइए ज़रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस हमारे क्या हैं, इसका ग्रीन वाला पार्ट क्या है, ट्रांजेक्शन, और ग्रीन वाले पार्ट के आगे वाला जो पार्ट है वो जो हमने गलती की है, क्योंकि जब तक वो दोनों चीज़ें नहीं बताएगा मैं एंट्री डालूंगा कैसे, कि क्या करना था, क्या किया है और क्या करना है। समझ रहे हैं, क्या करना था, क्या किया है और अब क्या करना है, यानी कि सही एंट्री, गलत एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री। गॉट इट। चलिए पहला ट्रांजेक्शन, क्रेडिट सेल्स टू मोहन, इसकी सही एंट्री यही बनती है, हाँ या ना। अब देखो हमने क्या किया है। अच्छा, इसकी अगर मैं पोस्टिंग करूं तो मोहन में 7000 यहां लिखा जाएगा और सेल्स में 7000 यहां लिखा जाएगा, हाँ या ना। देखो रिकॉर्डेड इन, कह रहा हमने कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया है, कह रहा हमने ये वाली एंट्री डाली है। अच्छा, इस एंट्री के हिसाब से ही पोस्टिंग करनी चाहिए थी, पर देखो कुछ और भी हुआ है। कह रहा जब हमने इसकी पोस्टिंग करी तो हमने क्या पोस्टिंग करी, कह रहा परचेज में तो हमने यहां लिखा और मोहन में यहीं पर ही लिख दिया, तो बढ़िया किया, यानी कि गलती से ठीक हो गया काम। नहीं समझ रहे होंगे, आओ छोटा सा चेंज करते हैं। अब हम ऐसा करेंगे, जो ग्रीन वाला पार्ट है उसे ग्रीन कलर से ही लिखेंगे और जो गलती वाला पार्ट है उसे किसी दूसरे कलर से लिखते हैं, ताकि आप एक डिफरेंस क्रिएट कर पाएं। चलिए पहले इसका हिस्सा बताओ, इसकी पोस्टिंग क्या बनती है, यहाँ पर 7000 लिखा जाना चाहिए था और 7000 यहाँ लिखा जाना चाहिए था। हमने ये वाली एंट्री की है तो पोस्टिंग इसके हिसाब से ही करनी चाहिए थी, जो कि क्या होती, 7000 यहाँ होना चाहिए था गलत वाला और 7000 यहाँ होना चाहिए था गलत वाला, पर हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, ये 7000 भी यहीं लिख दिया। ग्रीन वाला वो है जो हमारे अकाउंटेंट को करना चाहिए था और ब्लू वाला वो है जो हमारे अकाउंटेंट ने किया है। आपको नहीं लग रहा मोहन के अकाउंट में कोई गलती है ही नहीं, और जब मोहन के अकाउंट में गलती ही नहीं है तो वो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर भी नजर नहीं आएगा। नहीं समझे बात को, तो क्या करूं, ये मुझे क्रेडिट करना चाहिए था तो आज कर लो, ये मुझे करना ही नहीं चाहिए था डेबिट क्रेडिट, ये तो गलत हुआ है, तो ये गलत डेबिट हो रखा है। टू परचेज, और यहां पर कौन डेबिट हो जाएगा, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा 14000। किस किस को समझ आया, अदिति को नहीं आया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, आओ बेटे नो प्रॉब्लम, इजी करते हैं। सुनो, अगर मैं ये वाली एंट्री डालता तो क्या होता बताओ, 7000 यहां पर, 7000 यहां पर, बनाओ जरा ट्रायल बैलेंस बनवाओ, क्या ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस आएगा, क्योंकि 7000 यहाँ लिख रहे हैं, 7000 यहाँ लिख रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, सस्पेंस का जन्म नहीं होता। पर हमारे अकाउंटेंट ने ये वाली एंट्री डाली ही नहीं है, उसने तो पागल ने ये वाली एंट्री डाली है, कराओ जरा पोस्टिंग कराओ, 7000 किस तरफ, इसको ध्यान में रखना, कह रहा है उसमें यहाँ की जगह यहीं लिख दिया, मतलब एंट्री ये वाली डाल दी और पोस्टिंग ये वाली डाल दी। अब जरा बनवाना सस्पेंस ट्रायल बैलेंस बनवाओ, 7000 7000, आपको नहीं लग रहा इक्वल करने के लिए, अब आप क्या करोगे, अब आपने यहां पर सस्पेंस खोला है ना, इस गलती की वजह से सस्पेंस का जन्म हुआ है,
जब तुम यहाँ रेक्टिफिकेशन एंट्री डालोगे तो सस्पेंस की मौत भी निश्चित है। नहीं समझे मेरी बात को? तो जिस गलती की वजह से सस्पेंस का जन्म हुआ है, जब वो गलती सुधारी जाएगी तो सस्पेंस अकाउंट की मृत्यु हो जाएगी। समझ गए? ऐसा लग रहा है प्रवचन चल रहा है। पहला आंसर समझ आया? आइए जरा अगला ट्रांजैक्शन देखिए। पहले ग्रीन वाला पार्ट, एंट्री होनी चाहिए थी ये, और इसके हिसाब से पोस्टिंग होनी चाहिए थी क्या 9000 और 9000। हमारे अकाउंटेंट ने क्या गलती की? देखो जरा ब्लू वाला पार्ट, पहला कह रहा गधे ने पहले तो ये वाली एंट्री डाल दी, और फिर पोस्टिंग देखो पागल ने क्या करी है, क्या पोस्टिंग करी है। कह रहा यहां पर 9000 लिख दिया और कह रहा यहां पर 9000 लिख दिया, यानी कि रोहन का नाम सही है, गलती से सही हो गया, तो रोहन को नहीं छेड़ना है, नाराज हो जाएगा, क्या करने का है? ये डेबिट होना था, इसे डेबिट कर लो, ये गलत क्रेडिट हुआ है, इसे भी डेबिट कर लो, और सस्पेंस आ जाएगा 9918। अबे अब तो खेल लग रहा होगा। अगला ट्रांजैक्शन सी, इसकी सही एंट्री ये बनती है, देख लो आराम से। गुड्स रिटर्न टू राकेश, इसकी सही एंट्री ये बन रही है, तो उसके हिसाब से पोस्टिंग 4000 और 4000 ये होनी चाहिए थी। हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया है? कह रहा है उस पागल ने ये वाली एंट्री डाली, और पोस्टिंग में देखो क्या गलती करी है फिर उसने, मतलब एक यहां भी गलती करी है और पोस्टिंग में भी गलती करी है उसने, क्या गलती करी है? हाँ, यहां पर 4000 लिख दिया और यहां पर भी 4000 लिख दिया, तो राकेश के अकाउंट को छेड़ना, ये क्रेडिट कर दो, इसे भी क्रेडिट कर दो, और सस्पेंस को डेबिट कर दो 8000 से। सच बताओ आसान नहीं है? अगला ट्रांजैक्शन, इसका तो कह दो खुद कर लोगे, उंगली पकड़ के चलने की आदत पड़ रही है गधों को, देखो जरा क्या कह रहे हैं, चलो कर लेते हैं छोड़ो। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, इसकी जर्नल एंट्री बनती है ये वाली, तो पोस्टिंग क्या बनती है 1000 इधर और 1000 इधर। हमारे अकाउंटेंट ने रिकॉर्डिंग एरर भी करी और पोस्टिंग एरर भी करी, चेक करो क्या गलती करी है। भाई साहब ने क्या गलती की है? कह रहा है यहां पर कौन सा अकाउंट था? हाँ, कह रहा है यहां पर लिख दिया और यहां पर लिख दिया, तो महेश के अकाउंट को छेड़ना, हाँ इसे डेबिट कर लो, परचेज रिटर्न को तो फिर उसने क्रेडिट किया होगा ना, हाँ तो इसे भी तो डेबिट ही करेंगे हम, इसे डेबिट कर लो, इसे डेबिट कर लो, और सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे। प्रियांशु कंफ्यूजन में है, पक्का? अगला ट्रांजैक्शन देखिए। चेक करो जरा लास्ट वाला ट्रांजैक्शन, हाँ जी कौन सी बुक में लिखना चाहिए था? गुड्स रिटर्न टू नरेश, तो ये परचेज रिटर्न का केस है, तो इसकी सही एंट्री ये वाली बनती है, और हमारे पागल अकाउंटेंट ने कौन सी बुक में लिखा? परचेज बुक में लिखा, तो इसके हिसाब से पोस्टिंग क्या होनी चाहिए थी? नरेश में 2000 डेबिट और परचेज रिटर्न में 2000 क्रेडिट, ये होना चाहिए था, पर उन भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने इसके हिसाब से पोस्टिंग करी, वो भी एक और गलती करी है, कह रहा नरेश के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो नरेश में यहाँ पर 2000 ही लिखा और परचेज में भी 2000 यहां लिख दिया,
समझ आ रही है? इसके अकाउंट को छेड़ना नहीं है। इसे हमें क्रेडिट करना था, अब क्रेडिट कर लो। इसे गलत डेबिट किया है, इसे भी क्रेडिट कर दो, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर आपको सस्पेंस का बैलेंस पहले से दिया हुआ है, ये रहा, ये कहां से आया सोचिए। अरे तुमने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो दोनों साइड इक्वल नहीं आई होंगी। क्या कह रहा है, देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ 430 इन अ ट्रायल बैलेंस, इट वॉज प्लेस्ड ऑन द, कह रहा हमने यहां पर लिखा है। इसका मतलब अगर मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊं तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, टू डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। इस क्वेश्चन में मांगा क्या है चेक करो, पास एंड प्रिपेयर, समझ गए होंगे तुम मुद्दा। तो अब आपको क्या करना है, इनकी तो क्या डालनी है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, फिर उन एंट्रीज के बेस पर क्या बनाना है, सस्पेंस अकाउंट। उस सस्पेंस अकाउंट में ये वाला बैलेंस आपको यहां से मिलेगा, सही है। चलिए चेक कीजिए, पहला ट्रांजैक्शन, परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट। परचेज बुक आपको पता होगा, परचेज बुक में हम कैसे लिखते हैं, ए बी सी डी, जिन जिससे हम माल खरीदते हैं, तो इनकी पोस्टिंग अपने अपने लेजर में चली जाती है, याद करो, हाँ या ना। और इसका जो अपना टोटल होता है वो कहाँ जाता है, परचेज बुक का अपना टोटल, खुद का टोटल कहाँ जाता है, हाँ वो जाता है परचेज अकाउंट में। यहाँ पर लिखते क्या है, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। कह रहा है जब हम इसे यहाँ से यहाँ ले गए तो हमसे 100 रुपये ज़्यादा चले गए, तो आपको नहीं लग रहा हमने अपने परचेज अकाउंट को 100 रुपये से बढ़ा रखा है, क्या करना चाहिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। कोई डाउट है तो पूछो, क्या बाकी पार्टीज जिस जिस से माल खरीदा था क्या उनके अकाउंट पे असर आया होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि खाली गलती किस चीज़ की हुई है, इसके टोटल को इसके अकाउंट में ले जाते टाइम पर गलती हुई है, किसी और लेजर में कहीं कोई गलती नहीं हुई है, समझ आ रही है। अगला ट्रांजेक्शन देखिए, सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट। कह रहा है सिमिलरली ये कहाँ गई, सेल्स के लेजर में, पर सेल्स के लेजर में ये इस तरफ जाती है, तो सेल्स हमने 1000 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट कर रखी है, सेल्स डेबिट टू, ध्यान रखना परचेज डेबिट होता है सेल क्रेडिट होता है, तो उसी हिसाब से रेक्टिफिकेशन एंट्री चेंज हो जाएगी। अगला ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन ये वाला, हाँ ये वाला आप खुद करेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर सी मेरे हिसाब से आसान है, आप एक बार चेक कर लो। हो जाएगा, अगला देखो, एन अमाउंट ऑफ ₹500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द कमीशन अकाउंट एज इंस्टेड ऑफ 570। क्या था ये, हमें कोई कमीशन मिला होगा, एंट्री सोचो, कैश अकाउंट डेबिट टू, अच्छा वो एंट्री इसके अंदर की है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कितने का मिला था, 570 का मिला था, तो बेटा यहां पर कैश अकाउंट और कमीशन अकाउंट कराना पोस्टिंग, इसमें 570 लिखना चाहिए था, कह रहा इसमें हमने 500 लिख दिया, ये गलती हुई है, बस गलती समझ आ रही है, कैसे ठीक करूं अदिति बताओ। कितना, मुझे यहां तक सुनाई दे रहा है, बाकी बच्चे जो जवाब दे रहे हैं, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, इसका जो जवाब था क्या वो ठीक था, पक्का, प्रियांशु कह रहा है नहीं, तो प्रियांशु हमें दूसरा बताएगा। हाँ जी,
कोई बात नहीं, आप सोचते रहिए अभी। हाँ जी, कमीशन अकाउंट हमें कितने से क्रेडिट करना चाहिए था? 570। हमने कितने से कर रखा है? तो 70 रुपये से और कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन। चलिए ये वाला देखिए ज़रा, पॉइंट नंबर ई, गुड्स सोल्ड टू भारती ₹4400 हैज बीन पोस्टेड टू हर अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री बनती है भारती डेबिट टू सेल, भारती डेबिट टू। तो बेटा भारती में यहां पर पोस्टिंग होनी चाहिए थी और सेल में पोस्टिंग यहां पर होनी चाहिए थी। कह रहे यहां पर कोई दिक्कत नहीं हुई, इसमें हमने यहां पर क्या किया है गलती, 4400 की जगह 4000 लिख दिया। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? भारती डेबिट टू सस्पेंस ₹400 ओनली। ठीक है, लास्ट वाला, गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर ₹750, इट वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। पहले मुझे ये बताओ, ये गलती का असर सिंगल अकाउंट पे पड़ा होगा कि डबल अकाउंट पे पड़ा होगा? इट इज अ वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर? और क्योंकि ये टू साइडेड एरर है तो इसकी वजह से सस्पेंस का जन्म नहीं हुआ है। तो जब तुम इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डालोगे तो सस्पेंस की मृत्यु भी नहीं होगी। मेरी बात समझ आ रही है? इस एंट्री की वजह से सस्पेंस का नाम नहीं ओपन हुआ है तो वो क्लोज भी नहीं होगा। मतलब जब आप इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डालोगे तो उसके अंदर सस्पेंस का नाम नहीं आएगा। ज़रूरी नहीं है हर एंट्री में सस्पेंस का नाम आए, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या इसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ था। अगर वो ओपन हुआ था तो वो क्लोज भी होगा। आज चेक करके देख लो, आओ एंट्री डलवाओ, इसकी क्या एंट्री बनती है? एक्स डेबिट टू सेल अमाउंट 750। हमने इसे कौन सी बुक में लिख दिया? परचेज डेबिट टू एक्स 750। अब आप इसकी पोस्टिंग भी करके देखो, ये सही एंट्री है और ये गलत एंट्री है। हमें इसी के हिसाब से पोस्टिंग करनी चाहिए थी पर हमने पोस्टिंग इसके हिसाब से करी होगी। बताओ जरा रेक्टिफिकेशन एंट्री, सेल को क्रेडिट कर दो, परचेज को भी क्रेडिट कर दो और एक्स को डेबिट कर दो ₹1500। नहीं आया ना सस्पेंस का नाम? आई होप क्लियर हो गया होगा। ये वाला जो बैलेंस आपको दिया था, ये बैलेंस आपका इधर चला गया और इन सारी एंट्रीज में 1, 2, 3, 4 और 5 उन सब की पोस्टिंग इनके अंदर आ गई। अब आप देख रहे हैं सस्पेंस का बैलेंस दोनों तरफ इक्वल हो गया है। मतलब सारी गलती हमने ढूंढ ली जितनी थी, अब कोई और गलती ढूंढनी बाकी नहीं है। फिफ्थ वाली एंट्री यानी कि ये वाली, बेटा ये कह रहा है गुड्स सोल्ड टू भारती फॉर ₹4400। तो इसकी जर्नल एंट्री यहां पर होती है भारती डेबिट टू सेल 4400। तो भारती और सेल, यहां पर 4400 लिखना चाहिए था, यहां पर 4400 लिखना चाहिए था। कह रहा हमने यहां पर 4000 लिख दिया। बताओ सस्पेंस, इसकी वजह से सस्पेंस खुला होगा कि नहीं? तो वो बंद भी हो रहा होगा। समझ गए अदिति? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, आप एक वीक स्टूडेंट नहीं हैं, आराम से समझ सकते हो जितना मैंने देखा है। नरेशंस आपको किस तरह से लिखनी है आप चेक कर सकते हैं। क्लियर नाउ? हाँ, कौन सा? फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाली की एंट्री ये वाली बनती है, ठीक है ना? अब वो खुद कह रहा है भारती के अकाउंट में हमने 4400 की जगह पर 4000 लिख दिया है। तो भारती को ₹400 से कम डेबिट किया था तो और डेबिट कर देंगे, ठीक है?